ऑन करो, नहीं तो पापा जी फोन कर देंगे। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, हम लोग पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन। जैसे हम लोग का ये मिरर में पढ़े हैं ना, है ना, तो मिरर में कनकेव केस में 6 केस होता है, सर इमेज कैसे कैसे स्पॉटलाइट, बन, इमेज कैसे कैसे बनता है। तो उसी तरह से लेंस में, तो मिरर में कनकेव वाला में 6 केस होगा, और कन्वेक्स मिरर में कितना केस होगा, 2 केस होगा, है ना। इसमें थोड़ा सा उल्टा है, इसमें लेंस में क्या बाबू, लेंस में क्या बोला, लेंस वाला में क्या है कि आपका कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस होगा और कनकेव लेंस में कितना केस होगा, 2 केस होगा, है ना। तो कल हम लोग कनकेव कन्वेक्स वाला पढ़ लिए था, आज थोड़ा कनकेव वाला पढ़ेंगे, और उसके बाद मिरर में आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाए थे, तो उसके बाद इसमें भी साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, और उसके बाद मिरर का मिरर फार्मूला आया था, उसी तरह लेंस का क्या आएगा, लेंस का फार्मूला आएगा, जितना मैग्निफिकेशन वगैरह आएगा। इसमें और एक टर्म ज्यादा आएगा पावर के बारे में, है ना, पावर के बारे में कोई एक टर्म इसमें और थोड़ा ज्यादा पढ़ना है ना, चश्मा का पावर ओवर के बारे में पढ़ेंगे ना, और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, तो नेक्स्ट बाबू क्या, वो नेचर एंड पोजिशन ऑफ इमेज बाई कॉनकेव लेंस, है ना, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। ये क्या, दोनों साइड से जो धसा रहता है, इधर से भी धसा, इधर से भी धसा, तो ये मेरा क्या है, कॉनकेव लेंस। ऐसो शैतान ऑन करो, अंशुजीत को ऑन करो। ठीक, तो पहला केस क्या बोलते, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर रहेगा तो वहां से हम लोग दो गो पैरेलल रे लेंगे, है ना। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे बबू, तो हम लोग क्या मानते हैं, ऐसा अजम्पशन मानते हुए इन्फिनिटी से कोई भी रे आता है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मानते हैं। तो बहुत दूर से दो गो रे आया, कैसे आया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, है ना। तो आपको रूल बताए थे बाबू, है ना, रूल बताए थे कॉनकेव लेंस में, कि जब भी बाबू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आता तो वो क्या होता है, डाइवर्ज कर देता। इसको हम लोग कॉनकेव लेंस को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो ये इधर डाइवर्ज कर देगा, ये क्या कर देगा, इधर डाइवर्ज कर देगा, तो आगे कहीं दूर दूर तक मिलेगा नहीं, आगे कहीं कट करेगा, लगता है लक्षण से कुछ नहीं लगता कि आगे नहीं कट करेगा। ठीक, तो जब आगे नहीं कट करेगा तो जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, जो रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे ये वाला ना, रिफ्रैक्टेड रे भोली, है ना, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, लेंस से बाहर जो निकला, ये इंसिडेंट रे, लेंस से जो बाहर निकल रहा है ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया, है ना, रिफ्रैक्टेड। तो रिफ्रैक्टेड रे का वर्चुअली पीछे बढ़ा, तो रिफ्रैक्टेड रे को वर्चुअली पीछे बढ़ा रहे, बहुत एक जगह पॉइंट पे कट करेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, है ना। तो जब इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो उसका इमेज मेरा कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, कहाँ इमेज बनेगा, फोकस पे, कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो कॉनकेव लेंस के इधर का फोकस को F1, इधर का फोकस को F2 मान लो, क्या फर्क पड़ता है ना, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं बाबू, है ना। ठीक बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेचर कैसा होगा बाबू, तो ये रिफ्रैक्टेड रे सही में कट नहीं ना कर रहा है, रिफ्रैक्टेड रे सही में कट करता तो रियल इमेज, यहाँ पीछे वर्चुअली काल्पनिक बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। आ कैसा एकदम फोकस पे एकदम पॉइंट है, तो कैसा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा। सुजीत ऑन करो जी, कैसा बनेगा, शुभ शैतान ऑन करो, पॉइंट साइज बनेगा, क्या बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, है ना। तो यही पहला केस। दूसरा केस क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो, इन्फिनिटिव ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटिव और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो ये लेंस का क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इधर इन्फिनिटिव है, बीच में कहीं रखें, है ना। तो मान लो यहाँ पे कैंडल है, तो यहाँ से क्या करोगे, दो गो रे निकालोगे, है ना, आपको हमेशा लेंस वाला रे डायग्राम और आसान है, इसमें दो गो रे, उसमें भी दो गो रे लेना है, इसमें भी दो गो रे। तो पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लो, और दूसरा रे कहाँ से पास किया, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो। रे डायग्राम कैसे बनाओगे, हमेशा जो 3 गो रूल बताए, तो पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो रे ऑफ लाइट को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, रे ऑफ लाइट को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। ठीक, दूसरा रे क्या वो, दूसरा रे मेरा क्या वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, दूसरा रे मान लो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, तो जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो बिना डिविएशन के सीधे निकल जाएगा, कल वीडियो भी दिखाए थे ना, है ना, परपेंडिकुलर ऑप्टिकल सेंटर से सीधे पास करता हुआ लाइन क्या होता है, डिविएशन, बिना डिविएशन के क्या निकल जाता है, सीधे निकल जाता है ना। अभी ये रिफ्रैक्टेड है, आगे दूर तक नहीं कट करेगा, ये भी नहीं कट करेगा, कहीं दूर दूर तक लग नहीं रहा, तो इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ा, इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ा, और इसको आगे नहीं कट करेगा तो इसको भी पीछे बढ़ाओ, है ना, पीछे बढ़ाओ। तो ये रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पे कट करेगा वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, है ना शैतान, ये आगे कहीं ना कट कट करा जी, तो इसको पीछे बढ़ाओ ना रिफ्रैक्टेड रे को, तो इसी पे आ जाएगा। तो ये रिफ्रैक्टेड है बाबू, जहाँ कट करेगा, जहाँ कट करेगा वहीं क्या बनेगा, इमेज बनेगा, है ना। तो ये है ना, तो इमेज मेरा यहाँ पे कट कर रहा, तो यही क्या बनेगा, इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ इमेज बनेगा, है ना। ठीक बोला, अब इमेज बन गया, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज आपको लिखना, क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज लिखना है, सबसे तमाम करो जी। ठीक, तो कैसा है सर, पहले कहाँ बन रहा, तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और F1, इमेज कहाँ बन रहा, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच बन रहा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर,
वर्चुअल है, इरेक्ट है ना बाबू? वर्चुअल क्यों बाबू? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे सही में कट नहीं कर रहा है ना, उसको हम लोग वर्चुअली है ना, वर्चुअली कट करवा रहे हैं ना, अपनी कल्पना से कट कर पा रहे हैं, इसलिए वर्चुअल हो गया। इमेज कैसा बाबू? इमेज कैसा है? सीधा यहाँ पे इमेज आयरो ऊपर, तो इमेज का आयरो भी किधर है? ऊपर की ओर है, तो इरेक्ट हो गया। इंग्लिश में फिजिक्स में ये सीधा को इरेक्ट कहेंगे। और कैसे बाबू? ये ऑब्जेक्ट इतना गो, इमेज इतनी गो है, तो स्मॉलर इन क्या साइज है? स्मॉलर इन क्या साइज है? तो ये 6 गो आपको उसमें था, 2 गो इसमें कॉनकेव में था, ये 8 गो कैसे आपको याद रखना, तब न्यूमेरिकल वगैरह बनने में आसान होगा, है ना? ऐसे से तनाव करेगा, इसका हम लोग न्यूमेरिकल में भरपूर यूज करेंगे। क्या करेंगे? भरपूर यूज करेंगे, है ना, न्यूमेरिकल में। ठीक है ना बाबू? ए आनंद कैमरा डाउन कर जी। आनंद बाबू शैतान है, खाली सूत के पढ़ रहा है। ठीक, नेक्स्ट हो। अब आगे क्या बाबू? साइन कन्वेंशन। जैसे मिरर में साइन कन्वेंशन पढ़ाए थे, उसी तरह से इसमें भी क्या है? साइन कन्वेंशन, है ना? लेंस में भी साइन कन्वेंशन, तो समझाते हैं, उसके बाद नीचे जो लिखा है वो बताते हैं ना। तो जैसे मिरर में क्या था सर? यू वी एफ था। जैसे मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एफ मेरा फोकल लेंथ है, भी मेरा क्या इमेज डिस्टेंस है ना? तो मिरर में सारा डिस्टेंस कहाँ से नापते थे? पोल से नापते थे। तो यहाँ पे जो भी यू वी एफ मेजर करेंगे, कहाँ से मेजर करेंगे हम लोग? हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। यू वी एफ हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, समझते चलना। ठीक, कहाँ से मेजर करेंगे वो? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, है ना? मतलब क्या सर बता रहे हैं? डायग्राम पहले बना देता है ना। जैसे मेरे पास 2 गो लेंस है सर, एक कॉनकेव लेंस है और एक क्या कॉन्वेक्स लेंस है, यह 2 गो लेंस है ना? हाँ जी, यही 2 गो तो लेंस है बाबू। एक क्या है? कॉनकेव लेंस है, ये हो गया कॉनकेव लेंस। ठीक, अभी पहले समझ लो, उसके बाद बनाना। ये ऑप्टिकल सेंटर है ना? तो यू वी एफ क्या होता है? यू मेरा, भी मेरा, एफ मेरा, समझना, साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइन कन्वेंशन। यू मेरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। भी मेरा क्या होता है? इमेज डिस्टेंस होता है। एफ मेरा क्या होता है? फोकल लेंथ होता है ना, फोकल लेंथ होता है, लेंस है तो लेंस का होगा, ठीक है ना? तो जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे कहाँ से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से, है ना? जैसे आपको मिरर में पढ़ाए थे ना, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में, मान लो ये आपका कॉनकेव मिरर है ना, तो जो भी मेजर करते थे कहाँ से? पोल से। यहाँ पे पोल की जगह क्या आ गया? ऑप्टिकल सेंटर आ गया। तो जो भी डिस्टेंस वगैरह मेजर करेंगे कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। ठीक, ठीक बाबू। नेक्स्ट बाबू, तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट होगा इस तरह से, इस तरह से मान लो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से रे चलेगा, शांति से समझना। इधर से क्या चलेगा? इधर से ऑब्जेक्ट है तो इधर से क्या चलेगा? रे चलेगा, इधर से ना रे चलेगा। ठीक, तो जब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कोई भी चीज मेजर कर रहे हो यू वी एफ को, तो हमेशा क्या लेना? पॉजिटिव लेना। अगर इधर से इंसिडेंट हो रहा है ना, तो इस डायरेक्शन पर हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, है ना? मतलब इस इधर इस डायरेक्शन की ओर जा रहा है ना, तो इस डायरेक्शन ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में जो भी लेंथ माना अपना मेजर करेंगे क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अगर इधर से इंसिडेंट रे बाबू, आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी वैल्यू मेजर करोगे उसके वैल्यू को क्या लेना? पॉजिटिव लेना। तो इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है, अब इधर से आ रहा है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी इस डायरेक्शन में नापोगे, मतलब ईस्ट से किधर है? बेस्ट की ओर नापोगे, ईस्ट से बेस्ट की ओर नापोगे, है ना? तो उसके इसमें क्या लेना? पॉजिटिव लेना। मतलब इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, इधर हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। समझ में आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो। इधर क्या लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन, ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है? इंसिडेंट रे है। ठीक, ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे। सर तो ऑप्टिकल सेंटर के पीछे पॉजिटिव होगा। तांत्रा, ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे, तो जो भी हम लोग मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। तो इधर इधर वाला वैल्यू मान लो इमेज कहीं इधर आ गया, इमेज इधर कहीं बन गया, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या? ऑप्टिकल सेंटर से इधर ले रहा है ना, तो इसको वैल्यू को क्या लेना? पॉजिटिव लेना। जैसे भी है तो प्लस भी लेना, प्लस भी लेना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो ऑप्टिकल सेंटर से 2 गो डिस्टेंस होगा ना जी, इधर नापेंगे तो पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर के अगर इधर नापेंगे तो हम लोग क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। ऑप्टिकल सेंटर के इधर मेजर करेंगे, लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे, तो क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से बाबू इधर मेजर करोगे तो क्या वैल्यू लेना? निगेटिव लेना, निगेटिव लेना, है ना? निगेटिव लेना। ठीक, ये ध्यान देना, है ना? यू वी एफ मेरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ होता है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले वैल्यू को हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले वैल्यू को क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, है ना? मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी रहेगा, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर
अपवर्ड डायरेक्शन, यह है ना, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर वाले वैल्यू का हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी जैसे ऑब्जेक्ट हाइट है उसका क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वर्टिकल, ये वर्टिकल अपवर्ड और वर्टिकल डाउनवर्ड। प्रिंसिपल एक्सिस के नया है ना नीचे डाउनवर्ड जो रहेगा उसको हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, निगेटिव लेंगे, है ना, निगेटिव लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक, तो साइन कन्वेंशन में कुछ नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इमेज पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, देखे नहीं हो, इमेज का फिर नीचे भी बनता है, किसी केस में ऊपर भी बनता है ना, ऊपर बनता है ना। तो यही आपका क्या है, साइन कन्वेंशन, यही क्या है, साइन कन्वेंशन, है ना, साइन कन्वेंशन। ये कॉनकेव लेंस के, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए सिमिलर, आपका किसके लिए भी होगा, कॉनकेव लेंस के लिए भी होगा, है ना, सेम होगा, जो भी कॉनकेव के लिए वही कॉन्वेक्स के लिए, है ना, कॉन्वेक्स के लिए है। तो ये भी आपका कॉनकेव के लिए, मान लो इधर से रे आ रहा है, इधर से रे आ रहा है, इधर से अगर बाबू मान लो कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से, आई इधर से रे आ रहा है, इधर से इंसिडेंट हो रहा, तो ऑप्टिकल सेंटर से इधर रे है ना, तो इस डायरेक्शन के वैल्यू को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अरे रे भी इधर ही, ऑप्टिकल सेंटर से इधर दूरी मेजर करोगे, तो ये इंसिडेंट रे इधर, ऑप्टिकल सेंटर दूरी इधर, तो दोनों क्या लेना, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव वैल्यू लेना, क्या लेना, पॉजिटिव है। बिना साइन कन्वेंशन के करोगे गलत हो जाएगा क्वेश्चन, डेफिनेटली गलत, ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा, क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और ठीक, ऑप्टिकल सेंटर से इधर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे तो क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से निगेटिव इधर क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे, है ना, निगेटिव वैल्यू ले लेंगे। ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, ये क्या हो गया, बोला ए नो वीडियो करो जी, कहा जी आजकल बाबू बहुत बंद चालू करता है जी, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे हो गया, है ना, इंसिडेंट रे, है ना बाबू। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाले वैल्यू को, तो ऊपर का कन्हूल है इसमें लेफ्ट राइट नहीं देगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अरे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं भी रहेगा, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं भी रहेगा, है ना, इस साइड रहे चाहे इस साइड रहे, कोई भी साइड रहे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाबू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इस साइड से मेजर करो चाहे इस साइड से मेजर करो, दोनों साइड क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले वैल्यू को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, अब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले वैल्यू को क्या करेंगे, निगेटिव कंसिडर करेंगे, निगेटिव कंसिडर करेंगे। तो यही आपका क्या है, साइन कन्वेंशन है, यही आपका क्या है, साइन कन्वेंशन है ना। तो इसी को इंग्लिश में यहाँ लिखल है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, कहाँ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, ये मेरा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, वो मेरा क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर है, क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है ना। ठीक, नेक्स्ट, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ये ओ मेरा क्या है बाबू, ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, समझो पहले, है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो यू भी यू भी कहाँ से मेजर करना, ऑप्टिकल सेंटर से, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक, नेक्स्ट, इफ डिस्टेंस इज मेजर अलोंग द इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे इधर से आ रहा है तो इस डायरेक्शन के वैल्यू को पॉजिटिव लेना, तो इधर से आ रहा है तो इस डायरेक्शन वैल्यू पॉजिटिव, तो इसका ऊपर उल्टा वाला, इसका उल्टा वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो इधर वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव, है ना, उसी को इंग्लिश में लिखा था, इफ ए डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम इंसिडेंट रे, है ना, द करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी, करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी कहने का मतलब क्या, यू वी एफ, करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी कहने का मतलब क्या, यू वी एफ, है ना, इज टेकन एज क्या बाबू, है ना, टेकन एज बाबू क्या बाबू, पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव, है ना, डिस्टेंस इज मेजर, है ना, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, डायरेक्शन का उल्टा, तो उस केस में क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। हाइट ऑफ ऑलवेज हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। हाइट हमको कैसे रखना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखोगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज क्या हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, जैसा इमेज बनेगा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है इमेज तो उसको निगेटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। लिखो बाबू, ड्रा करो, तो ये साइन कन्वेंशन ध्यान रखना। हाँ बाबू, द ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव बाबू, द
इमेज हाइट, फोर्थ नंबर बाबू, द इमेज हाइट। सर ये बनाना है सर। क्या बाबू? ये बनाना है। हाँ तो बनाएगा ना, शैतान कहता है इसको इंग्लिश में लिखा नीचे ना, ये वाला लिखा ना, इसको इसको लिखा उसके नीचे बना, द इमेज हाइट बाबू। द इमेज हाइट बाबू, द इमेज हाइट बाबू इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इफ इट इज फॉर्म अबव द प्रिंसिपल, इट इज फॉर्म बाबू अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। And height of image is negative and height of image is negative। एस शर्मा समझ में आता है बाबू? हाँ सर। If it is for below the principal axis, तो जैसे हम लोग मिरर में किए उसी तरह यहां भी करना। लिखिए एक कॉन्सेप्ट करके लिख लो, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हम लोग ऑलवेज क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। The focal length of convex lens is always positive, कसम खा के याद रखना। The focal length of convex lens always positive। The focal length of convex lens is always positive। Always positive। And concave lens is negative। कब बाबू? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट लेफ्ट ऑफ द लेंस। हमेशा ऑब्जेक्ट को किधर रखेंगे? लेंस के लेफ्ट साइड में रखेंगे। जिंदगी जी रहा शुभ है नारायण जी लिया बाबू। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट बाबू, अभी तो सुबह सुबह सबका मूड फ्रेश होगा, दो तीन घंटा क्लास हो सकता बाबू, स्कूल लो लगता जाएगा। जैसे हम लोग वहां उसी तरह से यहाँ है। लिखिए जल्दी से, सुबह सुबह आप लोग क्लास करते हो तो छत पे टेरिस पे जाकर बैठ कर पढ़ो अगर फैसिलिटी अवेलेबल है तो। अगर आपके पास फैसिलिटी है गैलरी वगैरह है जहाँ ओपन एरिया, वहां पे बैठ कर। सर इधर 5 बजे रात रहता है।
हाँ आपके यहाँ 5 बजे रात, 5 बजे रात रहता है? हाँ सर, पूरा अंधेरा रहता। अच्छा, मैंने जहां भी लाइट आ जाता है, हम लोग के साइड में 5 बजे आ जाता है लाइट, तो आप लोग छत पे जाकर बैठ के पढ़ो, उससे क्या होगा ना, एकदम माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। इस टाइम में तो सनलाइट आएगा नहीं 6 बजे का पहले, है ना, नेचर के बीच में रहकर पढ़िए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब पॉलिटेक्निक वाले को पढ़ाते थे तो बहुत सारा बच्चा क्या करता था, लड़कन सब जो था, है ना, गांव का था मैक्सिमम, तो वो सब आम के पेड़ पे चढ़ जाता था, सुबह सुबह वहीं पे जाकर पढ़ता था, उधर ब्रश भी कर लिया, फ्रेश भी हो लिया गाँव में, आराम से आम के पेड़ पे चढ़ कर आराम से 2-3 गो इमेज भी भेजा था, बैठ कर पढ़ता है एकदम। लिखो जी, शुरू में पढ़ाए थे पहले पॉलिटेक्निक वाले को पढ़ाया था ना। चलिए वो आ गया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे मिरर फॉर्मूला था उसी तरह से हम लोग लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, जल्दी लिखो जी। थोड़ा सा तो कुछ नहीं बाबू, थोड़ा सा साइन का अंतर है, बाकी दोनों सेम चीज है, थोड़ा सा खाली साइन का अंतर है, जैसे वहां न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसे यहाँ करेंगे, जिसमें थोड़ा सा एक वो टर्म आएगा पावर, जल्दी कीजिए। सारा बच्चा उठ के आ गया, हमको तो लग रहा था कि आधा आएगा आधा नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट को राइट में रख दिए तब। ऑब्जेक्ट को राइट में रखोगे तो साइन कन्वेंशन फिर इसी को फॉलो करो, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, ठीक है ना, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में फॉलो करो। फोकल लेंथ सर, फोकल लेंथ बाबू, फोकल लेंथ उस केस में अपोजिट हो जाएगा, उल्टा कर देना, ठीक है ना, अपोजिट हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, है ना, इसीलिए यहाँ पे लिख दी ऑब्जेक्ट इज केप्ट लेफ्ट टू द लेंस। हम लोग ऐसा कन्वेंशन मानते हैं बाबू, है ना, जो भी सिस्टम बनाया गया है ना, कि जब भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में रखेंगे, तो लेफ्ट में रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इधर फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कॉन्वेक्स का कॉनकेव का निगेटिव हो जाएगा, मैक्सिमम आपको इधर ही मिलेगा, बहुत रेयर केस आएगा कि उधर मिलेगा। नेक्स्ट बाबू, मिरर फार्मूला, सॉरी बाबू, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला जैसे है उसी तरह से, तो पहले हम लोग मिरर फार्मूला लिख लेते हैं ना, कोना में बादल बना के, बादल बना के मिरर फॉर्मूला लिख लेते ताकि कंपेरिजन करने में आपको आसान हो। बादल राइट में बना के मिरर फॉर्मूला लिख लो, इसमें एक टर्म पढ़ना है पावर ऑफ लेंस पढ़ना है, बादल बना दिए इधर क्या है वो, मिरर, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला में हम लोग क्या पढ़े थे सर, 1/v + 1/u = 1/f, यही पढ़े थे ना। हाँ सर, यू भी एफ क्या, इतना बार हम लोग रटवाए बाबू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस, फोकल लेंथ, है ना, ठीक वाला। नेक्स्ट बाबू, मैं और आर बराबर है क्या पढ़े थे, 2f पढ़े थे, ये पढ़े थे मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन एम बराबर क्या पढ़े थे, हाइट ऑफ इमेज पढ़े थे बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़े थे, यही पढ़े थे ना, इसी को फर्दर कंबाइन करोगे तो मैग्निफिकेशन एम बराबर क्या आ जाएगा, -v/u आ जाएगा, यही तो पढ़े थे बाबू, है ना, एम बराबर क्या, -v/u होता है ना, तो ये दोनों एम एम बराबर है ना, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड आपस में बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं बाबू, जो एम बराबर है हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा बराबर -v/u हो जाएगा, अरे ये लेफ्ट साइड बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो ये था मिरर फार्मूला, है ना, ये हम लोग पढ़ चुके, ये हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके, पढ़ चुके हैं ना। नेक्स्ट बाबू, लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला में क्या करेंगे, कुछ ना करेंगे, लेंस फार्मूला
यहाँ पे माइनस कर देंगे, वन बट्टा भी माइनस वन बट्टा यू बराबर वन बट्टा एफ, कि नहीं? यहाँ भी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा टू एफ के बराबर हो जाएगा। आर बराबर, इसका ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, आर बराबर टू एफ के बराबर, दो गो फोकल लेंथ है ना। नेक्स्ट बाबू, एम बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एम बराबर क्या लिखेंगे, भी बटा यू लिखेंगे, एम बराबर क्या लिखेंगे, भी बटा यू। यहाँ पे बाबू है ना, यू माइनस हो जाएगा लेंस में और ये वाला प्लस हो जाएगा, तो इसलिए कह सकते हैं बाबू एम जो होगा हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर कितना हो जाएगा, भी बटा यू हो जाएगा। तो यही आपका लेंस फॉर्मूला हो गया, और कुछ नहीं करना है ना, और दिमाग नहीं कुछ। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों को इक्वल एज्यूम करेंगे यहाँ पे। हाँ इक्वल एज्यूम करेंगे, जो भी फार्मूला वैलिड है बाबू इक्वल के लिए वैलिड है, है ना। ये जो फार्मूला वैलिड है दोनों लेंस के लिए, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों साइड क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, नहीं तो अरे शैतान अनइक्वल रहेगा बाबू। तो किसी का फोकल लेंथ कुछ हो जाएगा, है ना, पहले लेंस का फोकल लेंथ कुछ हो जाएगा, दूसरे का कुछ हो जाएगा, तो उसके इसमें इमेज क्या बन जाएगा, उल्टा सुलटा बन जाएगा। जल्दी लिखो बाबू, एम बाबू मैग्निफिकेशन, अरे शैतान कौन भागा बाबू। अगर इफ मैग्निफिकेशन बाबू पॉजिटिव है, कौन सा लेंस होगा, या इमेज बाबू मान लो इरेक्ट है, इफ इमेज इज बाबू, इफ इमेज इज इरेक्ट, इमेज सीधा, If image is erect, then the value of image क्या होगा बाबू, बता बाबू भोला, यस शैतान धर्मवीर, if image is erect then the negative value of positive image क्या होगा, भरो इसको negative, if the image is inverted, if image is inverted, if image is inverted then the value of, यहां से दिमाग लगा, अगर इमेज इरेक्ट है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेना, पॉजिटिव ले, ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक। if image is inverted then the value of एम इज, भारो जी धर्मवीर भारो बाबू, नेगेटिव, जल्दी बाबू है धर्मवीर भारो जी, भाग गया जी धर्मवीर शैतान, कोने को भागा जी, समय गई, समय तो है ही है, शैतान धर्मवीर तो है, धर्मवीर कैमरा ऑन करो जी, बता धर्मवीर, ऐसा शैतान वीडियो ऑन करो, बताओ शांत बाबू, एम की वैल्यू बाबू अगर निगेटिव है, इफ इमेज इज इरेक्ट है, अगर इमेज से वो सीधा है तो एम की वैल्यू प्लस होगा कि माइनस होगा सर, प्लस ये, अरे शैतान देखो समझो बाबू सपना, शैतान एम बराबर क्या है सर, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेना, हमेशा पॉजिटिव लेना है ना, और हाइट ऑफ इमेज इरेक्ट है, इरेक्ट कहने का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, अरे इरेक्ट कहने का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, आई वाला कसम खेलें कि पॉजिटिव होवे करेगा, ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइडेड बाई क्या होता है, पॉजिटिव बराबर क्या होता है, पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव बराबर कितना होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक।
इमेज इन्वर्टेड है, उल्टा इमेज, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के कहने डाउनवर्ड है, प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ है डाउनवर्ड, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो माइनस डिवाइड बाई प्लस, माइनस होता माइनस थ्री जहर खाकर मर जाए, माइनस थ्री बटा दो क्या होता माइनस वन पॉइंट फाइव होता, तो निगेटिव आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा निगेटिव हो जाएगा, है ना, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल होगा कि रियल होगा। इफ बाबू एम इज पॉजिटिव, अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव आ गया वर्चुअल, तो इमेज कैसा होगा, इमेज इज, अगर एम की वैल्यू निगेटिव आ गया, इफ एम इज निगेटिव, पॉजिटिव इमेज क्या, पॉजिटिव एम का वैल्यू पॉजिटिव मतलब इमेज क्या है सीधा, सीधा इमेज कैसा होता है, शैतान छेबो के पढ़ के ना टूट देंगे, ठीक है ना, कैसा था धर्मवीर, ये सब पाके भी टूटते हैं। इमेज निगेट, इमेज इज क्या होगा धर्मवीर, शैतान धर्मवीर कहाँ गया जी, धर्मवीर यस सर सुत गया जी, नहीं सर बता, एम की वैल्यू आती है, एम की वैल्यू पॉजिटिव है, इमेज कैसा बनेगा, क्या सर, क्या सर आते हैं दवा खिलाते हैं तो होता है शैतान, एम की वैल्यू पॉजिटिव है इमेज कैसा होगा, इरेक्ट, इमेज तो इरेक्ट होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, ये तो लिखा है ऊपर वर्चुअल, अंधारा घर दुई को तो ऑप्शन है सर, रियल नहीं तो वर्चुअल, जय माता दी, रियल जय माता दी, नहीं सर इरेक्ट है तो वर्चुअल बनता है, आके दावा खिलाते हैं कैसा होगा वर्चुअल होगा, और ये क्या हो जाएगा रियल हो जाएगा। लिखो बाबू, तो कनकेव लेंस के लिए एम का वैल्यू क्या होगा बताओ सपना, कनकेव लेंस के लिए एम का वैल्यू क्या होगा, ये सब याद रखना, फॉर कनकेव लेंस एम की वैल्यू क्या होगा सर, पॉजिटिव, सोचो बाबू कनकेव लेंस में इमेज कैसे बनता है, अभी ना ताजा ताजा पढ़ा है, सोचो कनकेव लेंस के लिए एम का वैल्यू क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा, सपना यस सर, कनकेव लेंस में इमेज हमेशा सीधा बनता है सपना, सीधा बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है ना, कनकेव लेंस में इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, तो कनकेव लेंस के लिए एम की वैल्यू ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा, और कनकेव लेंस, और कनकेव लेंस के लिए बाबू उल्टा मत कर देना, द वैल्यू ऑफ एम इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा मत कह देना कि अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव तो कनकेव लेंस है, ये मत बोलना, अगर कनकेव लेंस है तो एम की वैल्यू क्या होगा, एम इज ऑलवेज पॉजिटिव, इतना सारा पॉइंट याद रखना, एम इज ऑलवेज पॉजिटिव, इतना सारा याद रखोगे तभी बाबू क्वेश्चन बनाओगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख पाओगे, जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना रहेगा तो मैग्निफिकेशन से रिलेटेड इतना पॉइंट याद रखेगा तभी लिखा पाएगा, नहीं तो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिख पाओगे, कोई चारा नहीं है। जल्दी लिखो जी, लेट से कहा है आनंद, तो भागा कौन जी, अभी तक हम सोचते हैं कि कौन है, जल्दी लिखिए, अब क्या है सर लेंस में बाबू, अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, अब प्लस क्या है पावर, क्या पढ़ना पावर, जैसे चश्मा हम लोग यूज करते हैं ना, तो कितना पावर का रहेगा, तो दो टॉपिक है उसका, इसमें न्यूमेरिकल है, दूसरा क्या है इसमें पावर, पढ़
उसके बाद आपका रिफ्लेक्शन फिनिश हो जाएगा, उसके बाद क्या कलरफुल ऑफ वर्ल्ड एंड ह्यूमन आई है ना, आँख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो एक आधु क्लास लगेगा इसको फिनिश करके मैथ हम लोग पढ़ेंगे फिर, है ना, ये सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है बाबू, इतना पहले पढ़ के आना, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, मिरर वाला क्वेश्चन बना के आना तो ये वाला आसान लगेगा, मिरर वाला नहीं बना के आओगे तो ये वाला टफ लगेगा। चलो ठीक है, बोला आते हैं थोड़ा स्कूल से मिल के, कहा बुलाता, ठीक है सर, बाय सर, बाय बाय, बोल बाय सर, बाय बाय बाबू।